नमस्कार साथियों, प्रयोगशाला परिचारक के इस बेहतरीन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ऐसे भी हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बड़ी बड़ी चीज़ें आप सभी के लिए लाते रहते हैं। आज का हमारा सेशन अर्थशास्त्र पर रहेगा और भारत का भूगोल, जिसके अंदर आपका सामाजिक भूगोल, अर्थशास्त्र पर आधारित जो भूगोल और बहुत सारे सिलेबस आपके भारत के भूगोल के अंदर हैं, जिसमें आज का हम सेशन पर बात कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे। तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग तथा वितरण जैसी गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विषय है। भाई अर्थशास्त्र अर्थात आर्थिक, समझ रहे हो? आर्थिक कैसे होगा? उत्पादन से संबंधित जब बात आएगी, उपभोग की संबंधित जब बात आएगी, वितरण की जब बात आएगी, तब वहाँ अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, तो इसी का अध्ययन हम करते हैं। और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ पुस्तकों की भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक है एडम स्मिथ, जिसे अर्थशास्त्र के जनक के नाम से भी जाना जाता है। फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस के जनक है पॉल ए सैमुएल्स, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के जनक है लेखक है जे एम किंग्स, नेचर ऑफ सिग्निफिकेशंस के लेखक है एल रॉबिन्स, हाउ टू पे फॉर द वार के लेखक है जे एम किन्स, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक है अल्फ्रेड मार्शल। ये महत्वपूर्ण लेखक हैं। अब हम आगे इसमें अर्थशास्त्र की जब बात करते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से शुरुआत होती है अर्थशास्त्र की। बात करें हम भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। और ये क्या क्या तीन भाग है साथियों? तो देखो, एक तो है विकसित अर्थव्यवस्था, एक होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, और एक होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था को हम तीन तरीके से बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं, विकसित, अर्धविकसित और विकासशील। ठीक है, तो इन्हीं पर बात करेंगे। इसके पहले हम विकसित अर्थव्यवस्था पर सबसे पहले बात करें कि ये विकसित अर्थव्यवस्था है क्या चीज। तो देखो, जो विकसित अर्थव्यवस्था है, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नत होता है। अर्थात ये विकसित हो चुका अर्थव्यवस्था है ना, तो ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उन्नत रहेगा। उत्पादन और उपभोग का स्तर भी उच्च रहेगा। भाई अच्छा उत्पादन हो रहा है, अच्छा उसका उपभोग हो रहा है, तो इनकम, आय के साधन भी अच्छा है। अर्थात जब विकसित देश होगा, वो आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होगा। आर्थिक आय, प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है। भाई विकसित देश है, विकसित कैसे होगा? प्रत्येक व्यक्ति के कमाए के जो साधन है, यदि वो विकसित रही, तभी का रही भाई, वो देश विकसित रही है ना। और बचत भी ज़्यादा होगा, विनियोग भी ज़्यादा होगा है ना, पूंजी निर्माण भी उच्च स्तर पर होगी, तभी तो हम उसको विकसित कहेंगे। इसके अलावा जनसंख्या भी कम होगा। भाई जो विकसित है, जनसंख्या कम होगा तभी उसका विकसित संभव है। जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इनकी ये विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है, क्योंकि इन सभी देशों की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, बहुत कम है। ठीक है, दूसरी विशेषता आती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की। तो अल्पव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक दृष्टि से इसमें पिछड़ापन रहता है। अर्थात समाज में उतना विकास नहीं है, उन्नति नहीं हुई है, पिछड़ा हुआ है, उत्पादन भी कम होता है और उपभोग भी उनका स्तर निम्न है, अर्थात कम उपभोग होता है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय भी कम होती है, जिससे कि देश जो है विकसित नहीं होता। इसके अलावा पूंजी निर्माण की भी बात कर लूँ, तो पूंजी निर्माण भी निम्न दर पर होता है। उच्च जनसंख्या, मतलब जनसंख्या की अधिकता के वजह से भी प्रत्येक व्यक्ति की आय ज़्यादा हो नहीं पाता, बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा रहती है ऐसे देशों में है ना। कृषि पर निर्भर होते हैं ऐसे देश के लोग, अशिक्षा और बेरोजगारी चरम पर होती है। अशिक्षा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, जैसे भारत की मैं यहाँ बात कर लूँ, तो भारत तो फिलहाल अभी विकसित हो रहा है, विकासशील में आ गया है ना, इसलिए यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
लेकिन यह अल्प विकसित में जैसे युगांडा, बुरुंडी, नामीबिया, अफ्रीकन जितने भी देश है ना, ये सभी आपके किस में आते हैं साथियों, तो इसी अल्प विकसित देश में आते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसमें तीसरा आता है विकासशील अर्थव्यवस्था। देखो विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, तो कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी भी होती है जहाँ पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं तो पाई जाती है लेकिन विकसित होने की अपार संभावनाएं मौजूद है, अर्थात वो विकास की दिशा में बढ़ रहा है। वह देश जो विकास की दिशा में बढ़ रहा है और बहुत कम समय में जल्द से जल्द वो विकसित हो जाएगा, ऐसे देश जो है विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश की श्रेणी में आता है। और ऐसे देश अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के देश हैं और इनमें भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश आते हैं जो कि लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं, विकसित होते जा रहा है। क्लियर है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ या इनके उद्देश्य पर बात करें तो ये जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में लाभ का उद्देश्य प्रमुख होता है, अर्थात उत्पादन निजी स्वामित्व के अधीन होता है। ठीक है, पूंजीपति लोग होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की जो अर्थव्यवस्था है, अनियोजित अर्थव्यवस्था भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गए, दो ही बिंदु में समझना है हमको। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखो पूंजीवादी अर्थात पूंजीवादिता प्रमुख है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मांग, पूर्ति और कीमत, उत्पादन आदि पर सरकार का नियंत्रण होता है। देखो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना, उसमें मांग, पूर्ति, कीमत और उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी को अनियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं और समाजवादी को नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा रूस में वर्ष 1917 की क्रांति के बाद नजर आई थी। ठीक है, उसके बाद आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के स्वामित्व दोनों यहाँ पर साथ साथ विद्यमान चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, सामाजिक या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक तो प्राथमिक है, दूसरा द्वितीयक है और तीसरा तृतीयक क्षेत्र है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से होता है। उत्पादन इकाई क्या होता है, उत्पादन ये प्राकृतिक चीजों के दोहन से है ना। देखो कृषि, यहाँ से उत्पादन होता है, पशुपालन, मछली पालन, खनन, वानिकी, ये सभी उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र से तात्पर्य वह क्षेत्र जहाँ प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधि में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, ये सभी आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आता है आपका तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयां होती है, जैसे परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल, चिकित्सा, पर्यटन और सरकारी जो प्रशासन है, वित्त है, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास की माप को हम कैसे करते हैं, तो आर्थिक विकास को आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम से जीवन के भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम के आधार पर हम मापन करते हैं। आज की सेशन में हम यही करेंगे, कल की सेशन हमारी चलेगी साथियों, जिसमें हम कल बात करेंगे
इसके अलावा जो आपके मानव विकास सूचकांक है और राष्ट्रीय आय है, हम उस पर कल की सेशन में बात करेंगे। जय हिंद।